वक्त विच पल कंपनी दी धोखाधड़ी दे शिकार बहुत लोग होए हन अते इस दे धोखाधड़ी दे विच लोकां ने जमीनां खरीदियां पर यह कंपनी करप्ट निकली अते इस दे मालक नूं भी गिरफ्तार कर लै गया, जिस तों बाद लगातार चर्चा बनी। पर हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों वड्डा ऐलान किया गया कि पल कंपनी दे विच जिन्हें भी लोगों ने इनवैसट किया सी उन्हां नूं उन्हां दा मुआवजा जरूर मिलेगा। वह धोखाधड़ी करने वाली कंपनी दी जायदादां नूं वेच के पैसों का मुआवजा लिया जाएगा, सारे पैसे वसूले जाएंगे। जी हाँ, इस समय की वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वड्डा ऐलान किया कि पल कंपनी की धोखाधड़ी के शिकार होए लोगों नूं राहत दी जाएगी। जी हाँ, तुहानूं दस रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार ने पल ग्रुप की मालकी वालिया जायदादा जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि इस वेच के लोगों को मुआवजा दिता जा सके। इस संबंधी वेरवे देंदे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार सूबे के लोगों तो लुटे गए एक एक पैसे की वसूली करेगी। उन्होंने ये भी दसिया कि वख-वख जिलों के पल ग्रुप दी जायदादा की शनाख्त की जा चुकी है, इन जायदादा हासिल करने लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भगवंत मान होर ने कहा है कि माल रिपोर्ट के रैड एंट्रियां की गई हैं ताजो कोई भी इस जायदाद को वेच या खरीद ना सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस ग्रुप ने लोगों के सूबे के लोगों के नाल बहुत वड्डा धोखा किया, जिस करके इस हर हाल के जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने भी कहा कि इस प्रक्रिया के ट्रांसपेरेंट को यकीनी बनाने के लिए जमीनी पद्धर से माल रिकॉर्ड की पहला ही जांच की जा चुकी है। उन्होंने भी कहा कि इस कार्य को पहल के आधार पर उचित किया गया ताकि सरकार के वालों यह जायदाद जब्त की जा सके। उन्होंने अगे कहा कि मुख्य सकत्र DGP इस काम को निर्विघन समाबद्ध ढंग के नाल नेपड़े चाढ़ने के लिए समुची प्रक्रिया की निजी तौर पर निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह जायदाद बेची जाएगी और लोगों का एक एक पैसा उन्होंने वापस किया जाएगा। सूबा सरकार यह यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है कि लोगों का पैसा उन्होंने वापस मोड़िया जाए और कंपनी विरुद्ध मिसाली कार्रवाई की जाए ताकि धोखाधड़ी करने वाली अजिहियां होर कंपनियों को भी सबक मिल सके। पंजाब दे विच पल कंपनी की धोखाधड़ी के शिकार बहुत लोग होए हैं अते इस धोखाधड़ी दे विच लोगों ने जमीनां खरीदियां पर यह कंपनी करप्ट निकली अते इस दे मालक नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तों बाद लगातार चर्चा बनी। पर हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों वड्डा ऐलान किया गया कि पल कंपनी दे विच जिन्हें भी लोगों ने इनवैसट किया सी उन्हां नूं उन्हां दा मुआवजा जरूर मिलेगा। वह धोखाधड़ी करने वाली कंपनी दी जायदादां नूं वेच के पैसों का मुआवजा लिया जाएगा, सारे पैसे वसूले जाएंगे। जी हाँ, इस समय की वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वड्डा ऐलान किया कि पल कंपनी की धोखाधड़ी के शिकार होए लोगों को राहत दी जाएगी। जी हाँ, तुहानूं दस रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार ने पल ग्रुप की मालकी वाली जायदादा जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि इस वेच के लोगों को मुआवजा दिता जा सके। इस संबंधी वेरवे देंदे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार सूबे के लोगों तो लुटे गए एक एक पैसे की वसूली करेगी। उन्होंने ये भी दसिया कि वख-वख जिलों के पल ग्रुप दी जायदादा की शनाख्त की जा चुकी है, इन जायदादा हासिल करने लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भगवंत मान होर ने कहा है कि माल रिपोर्ट के रैड एंट्रियां की गई हैं ताजो कोई भी इस जायदाद को वेच या खरीद ना सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस ग्रुप ने लोगों के सूबे के लोगों के नाल बहुत वड्डा धोखा किया, जिस करके इस हर हाल के जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने भी कहा कि इस प्रक्रिया के ट्रांसपेरेंट को यकीनी बनाने के लिए जमीनी पद्धर से माल रिकॉर्ड की पहला ही जांच की जा चुकी है। उन्होंने भी कहा कि इस कार्य को पहल के आधार पर उचित किया गया ताकि सरकार के वालों यह जायदाद जब्त की जा सके। उन्होंने अगे कहा है कि मुख्य सकत्र DGP इस काम को निर्विघन समाबद्ध ढंग के नाल नेपड़े चाढ़ने के लिए समुची प्रक्रिया की निजी तौर पर निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह जायदाद बेची जाएगी और लोगों का एक एक पैसा उन्होंने वापस किया जाएगा। सूबा सरकार यह यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है कि लोगों का पैसा उन्होंने वापस मोड़े जाए और कंपनी विरुद्ध मिसाली कार्रवाई की जाए ताकि धोखाधड़ी करने वाली अजिहियां होर कंपनियों को भी सबक मिल सके।